तो चलो टेस्ट करते हैं पीड़िया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिजीत है एंड वेलकम टू माय चैनल। सो अभी भी मैं गढ़ कलेवा में हूँ, सो दिस इज़ अनदर फूड व्लॉग। तो पिछले व्लॉग, अगर आपने मेरा पिछला फूड व्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने कुछ स्पाइसी ट्राई किया था। सो अब सोचा कुछ स्वीट भी ट्राई कर लिया जाए गढ़ कलेवा का। तो देखते हैं मैंने क्या ऑर्डर किया है वो देखने के पहले देखते हैं ये जो टेबल बना हुआ है, ये प्योर लकड़ी का बना हुआ है और लकड़ी को काट के ही बनाया गया है। बहुत ही रॉ डिज़ाइन है। नीचे भी देख सकते हैं स्टैंड जो बनाया है, बहुत ही रॉ डिज़ाइन है। एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट्स बने हुए हैं। तो मैं जिसमें बैठा हूँ, इट इज़ छैया भुया। ओके, आते हैं अब हमारे ऑर्डर पे। मैंने जो ये छत्तीसगढ़ी ट्रेडिशनल स्वीट डिश तो नहीं बोलना चाहिए इसको, स्वीट स्नैक ऑर्डर किया है, इसका नाम है पीड़िया एंड इसका नाम है खुरमी। तो लेट्स ट्राई। टेस्टिंग स्टार्ट करने के पहले हाथ को थोड़ा सैनिटाइज कर लेते हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम खुरमी। सो खुरमी मेरे लिए नया नहीं है, मैंने बचपन से खाया है। जब दिवाली के टाइम पे लक्ष्मी पूजा होती है तो आपको सबके घर में बुलाते हैं तो ये खुरमी मिलता है। सो एंड आई लव दिस बिकॉज ये आटे का बना होता है, मैदे का नहीं है और इसका जो स्वीटनेस भी है ये बहुत माइल्ड स्वीटनेस है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता। टेस्ट करते हैं ये कैसा यहाँ पर कैसा मिलता है। हमारे घर पर ज़्यादा अच्छा था कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। इट इज़ गुड, इतना नहीं, वो फ्लेवर नहीं मिल रहा है। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ गढ़ कलेवा का ये, और इसमें काजू भी डला हुआ है। आई डोंट थिंक सो ट्रेडिशनली काजू डलता है इसमें, और थोड़ा फैंसी बनाने के लिए काजू डाले हैं। इट्स ओके, बहुत एक्साइटेड नहीं रहा हूँ उसको खा के, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है बट उतना मज़ा नहीं आ रहा है मुझे। मैं जितना एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं है। सो रेटिंग की बात करें, टेस्ट वाइज 2 out of 5 बिकॉज मैंने घर पे इससे बहुत अच्छा खाया है, मेरे नहीं दूसरों के घर में खाया है पर इससे बहुत अच्छा खाया है। एंड वैल्यू फॉर मनी भी, ये 25 रुपये का 2 है, मुझे लगा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। वैल्यू फॉर मनी इज़ ऑल्सो ये भी 2.5 out of 5। अब ट्राई करते हैं द नेक्स्ट आइटम पीड़िया। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इसका टेक्सचर है, पीछे काजू भी लगा हुआ है और ऑनेस्टली इसके ऊपर ये क्या लगा हुआ है मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लग रहा है वो है लाई टाइप का है, लाई छोटा छोटा जो लाई हो, लाई को तोड़ दिए हैं क्या, नहीं या कुछ और हो सकता है, आई डोंट नो। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको टेस्ट करने के लिए बिकॉज़ ये मैंने कभी टेस्ट नहीं किया है। तो चलो टेस्ट करते हैं पीड़िया। मुझे लगा ये बहुत कड़ा होगा, बहुत हार्ड होगा बट अंदर से ये बहुत सॉफ्ट है। ऊपर से भले ही कड़ा कड़ा दिख रहा है ये, बट अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट है। और ये भी आटे का ही बना है मुझे लग रहा है, या आई एम 90% श्योर कि आटे का बना हुआ है ये। जो अंदर का फ्लेवर है थोड़ा थोड़ा जो आटे का हलवा होता है उसकी याद दिला रहा है, बट इट टेस्ट रियली गुड। मैंने आज तक इसको नहीं खाया है बट
डेफिनेटली मैं अब बहुत सारे मच्छर है यार यहाँ पे, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम भी आऊँगा तो इसको ज़रूर ट्राई करूँगा। यम्मी यम्मी। सो माय रेटिंग फॉर दिस पीडिया टेस्ट वाइज 5 out of 5 डेफिनेटली, मतलब ये मेरे एक्सपेक्टेशन से भी बेटर इसका टेस्ट है, और एक खाने के बाद दूसरा और खाने का मन कर रहा है। एंड वैल्यू फॉर मनी 30 रुपये का 2 है, इतना टेस्टी है, इट्स वर्थ इट। बट आई, हाँ यार मेहनत लगती है बनाने में, सो उसमें भी 5 out of 5, सो इट्स अ परफेक्ट 10 डिश और 10 स्नैक, परफेक्ट 10 स्नैक फ्रॉम माई साइड अकॉर्डिंग टू मी। सो आप भी आइए यहाँ पे, डेफिनेटली पीडिया ज़रूर ट्राई कीजिए, इट्स डिलीशियस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, शेयर विथ योर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। एंड अगर आपको लगता है कि रायपुर में ऐसी कोई अच्छी जगह है जहाँ पे कोई अच्छा सा स्ट्रीट फूड मिलता हो या कोई भी खाना अच्छा मिलता हो, देन यू कैन कॉमेंट्स, आप कॉमेंट्स में बता सकते हैं मुझे, मैं डेफिनेटली वहाँ पर ट्राई करूँगा और वहाँ का भी एक फूड ब्लॉग बनाऊँगा। मेरा नाम अभिजीत है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।